सैनिकों ने या आतंकवादियों ने काट ले गए और उस समय खेल प्रतियोगिता भी हुई थी। सरकार ने खिलाड़ियों को 1 करोड़ का चेक दिया और शहीदों को 10-10 लाख का। तब कहना पड़ा, एक पटना के पास एक गांव था, वहां का लड़का था जिसकी हत्या हुई थी। अधिकारी लोग जब चेक लेकर के गए तो पत्नी को देने लगे चेक, तो पत्नी ने कहा, प्रियतम की शहादत का उपहास उड़ाते हो, तो कितने अनमोल किया मेरे तुम मूल्य लगाते हो, कितने अनमोल किया मेरे तुम मूल्य लगाते हो। प्रिय प्राणाधार पिया पति प्यार मुझे दे दो, आधार मुझे दे दो, श्रृंगार मुझे दे दो, अगर दे सकते हो तो इन्हें जीवित करो। अधिकारी ने नजरें नीची कर ली और बहन के पास, बहन ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, राखी थी लाज राखी अब आज हुआ राखी। हमारे भाई ने राखी की लाज रखी है और आज जल करके राख हो गया। राखी थी लाज राखी अब आज हुआ राखी, मैं रोली मगर रोली अछत सब धन्य हुई राखी। पाओ तो कलाई वो दमदार मुझे दे दो, आधार मुझे दे दो, श्रृंगार मुझे दे दो। अब ये लोग ऐसा नियम होता है कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो एक लड़के को नौकरी मिल जाती है, जवाब दूसरे लड़के से मिले। देखी जो पिता की चिता तो फटता है कलेजा, तो सुतने कहा सीमाओं पर जाए मुझे भेजा, सीमाओं पे जाने का अधिकार हमें दे दो, आधार हमें दे दो, संसार मुझे दे दो। इसके बाद में वे अधिकारी पिता के पास पहुंचे कि आप ले लीजिए इसे बदला का। उस समय अपने यहाँ के 2 महत्वपूर्ण पदों पर सरदार लोग थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह। तब कहना पड़ा, सरदार तो बल्लभ थे सरदार भगत जैसा, जो मौन रहे वो सिंह कहाँ सरदार भला कैसा। दे पाओ तो सरदार हमें दे दो, आधार हमें दे दो, श्रृंगार हमें दे दो। वो नहीं दे पाए। अब अंत में माता जी के पास पहुंचे, आप ये 10 लाख का चेक ले लीजिए। तो माता ने कहा, हमारे परिवार के लोगों ने जो कुछ मांगा आप नहीं दे पाए, तो हम आपसे मांगती भी नहीं। अब सुनिए पहले हमारे दोस्त, ममता की सीमा से बड़ी